तो पकौड़ी, आलू पकौड़ी, प्याज पकौड़ी, अलग अलग पकौड़ी बने छे माँ की। तो आप ना बरसात में हमारा गौर पिजाम चुनाव क्लिक हमारो कूड़ जाओ डूंगो वालू कि दोस्तों आप लोगों को दिखो लू ना। तो सभी लोग आज फिर से घासो चल गए ना, वही बरखम्मा बहुत ही तेज बरखा लग गया और दिखला आप लोग ना। तो ये देखा आप लोग बहुत ही तेज बूंदाबांदी शुरू होगी ने। तो हमारे गांव का जदगा भी लोग छा रहे हैं कि भाई लोग छा बूढ़े लोग छा, तो सभी ठीक करेंट चल गए घास लाने को। और आप लोगों को तो पता चला कि आज का टाइम पर है कुआल घास के टाइम, यानी कि हैरो घास जैसे बांझ बूझ। तो देख लो आप लोग ना, तो पूरा चारों तरफ लग गया खतरनाक बादल और कुड़ू। तो लोग गए लोगों माघ भी जाने की तैयारी गया, देखा आप लोग माल भी एकदम झूला और दस फुट रखे। तो हाँ जी दोस्तों, की हालचाल चाल आप लोगों का, आशा उम्मीद कर लू जग बोला स्वस्थ होला मस्त होला काम व्यस्त होला। तो सबसे पहले आपसे जुड़ित है मेरे प्यार व नमस्ते मी महेश भंडारी, आपसे जुड़ने को अपना एक और ब्लॉग माँ हार्दिक स्वागत कर दूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ। आप लोग सोशल मीडिया का जरिया मित है मेरे जन्मदिन का शुभ अवसर माँ बहुत बहुत बधाई दीने। तो आप अला यहाँ से पहला का ब्लॉग मत देख ही लिए लो। तो दोस्तों ब्लॉग थोड़ा सा लेट आया किले कि हमारे एक लाइट नहीं है और लाइट ना होने के कारण मेरे फ़ोन भी चार्ज नहीं छो। तो आप लोग ना थोड़ा सा एक क्लिप मत देख लो, जब हम केक कटना था तो वे लाइट चल गई है, तो हम अंधेरे में यानी केक वो काटी और बहुत अच्छे से मेरे जन्मदिन वर्ष मनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर दो आप सभी दोस्तों को, सभी लोगों को जो उनमें इसने प्यार दिया और सपोर्ट करना था। तो आज मेरी ब्लॉगिंग है शुरुआत दगड़ी हो लगभग 4 बजे होनी चाह, और अभी दिख लो ना आसमान में पूरा बादल लग गया चिन्ह। तो आज ब्लॉग लेट होने को मुख्य कारण है दोस्तों यो चे कि सुबेर बटे ने यानी ब्याह रात बटे की लाइट नहीं चाहे पर फ़ोन पूरा स्विच ऑफ हुई छो, तो वाक वजह से मिल ब्लॉग एडिटिंग भी निकाल भी। तो ब्लॉग वाल भी थोड़ा लेट आ लो, पर आप लोग जब भी दिखला तो दगड़े वहाँ आप लोगों को भी पता चल जा लो कि लाइट चल गई छा वहाँ बाद जब लाइट आई नीचे तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गए छो। दोस्तों आप लोग दिखना वाला ना पूरा आसमान अभी भी बादल लग गया छिना, और यहाँ से पहले के लिए मैं देख लो आप अला हम अभी ना थोड़ा देर पहले जब बरखा लगी थे तो हम का गए ठीक रेंड गए घास लेने को। आप लोगों को पता है कि आजकल लोग हैरो घास कर दें यानी कि बांझ बूझ, तो अभी हम बांझ बूझ ले गए फर्स्ट क्लास। बाकी आप लोग देख ला कि तो चरे तुरंत आप थोड़ा सा घाम लग गयी और बाकी अभी आसमान में पूरा बादल लग गया छन। बाकी दोस्तों हम लोग विघ्न निकाले बहर के लेकिन ना ये ब्याली बटे की बरखे की वजह से बितरी छा। तो देखा आप लोग बाकी ठीक दूर दूर दिख रहा आप लोग, तो आप लोगों को देखिए बादल नजर आला। और बादल होने का कारण दोस्तों कि आजकल ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई पड़ गया। देख सकते आप लोग कि जन्मदिन छो तो बिया भरी बरखा छह आज सड़क भी भरी रौन छो तो लेट भी नहीं छे, यह वजह से मेरी बिया कुछ बढ़े नहीं सकी। तो आज बड़े मेरे देख सकते आप लोग आज बड़े मेरे पूरी पकौड़ा जे खाना मन करो तो तुरंत आ जा। तो दगड़े ना समय माँ बैठी माँ पीने अभी फर्स्ट क्लास चाहिए। तो आप लोगों को देखिए मैं ये चीज़ दिखाना भूल गया हूँ, तो देख सकता हम लोग माल मेरा जन्मदिन का अवसर माँ खुशी माँ की बने चाहे पकौड़ा और ब्याली राति जन के बर्फ हो गए ना माँ है ना। तब लाइट नहीं, लाइट नहीं छे तो लाइट ना होना कारण माँ ना कुछ नहीं बना ब्याली। तो माँ सुबह फर्स्ट क्लास पकौड़े बने ना, तो देख सकते हम लोग पूरी और पकौड़ी। तो पकौड़ी आलू पकौड़ी प्याज पकौड़ी अलग अलग पकौड़ी बने छे माँ की। तो अपना ब्लॉग का माध्यम से आप हरी मिर्च तो माल थोड़ा सा पकौड़ बने छा। तो यो आप लोग बात सीख करू छो तो थोड़ा सा इन हूँ कि बनाना पड़ दो कुछ ना कुछ है ना मिष्टान। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे। तो दगड़ियों अभी देख सकता हम लोग तो माँ चढ़ी एकदम कूड़वा और अभी माँ ना चूंद निकलनी। तो आजकल ना बरसात में हमारा गौर पिजाम चुनाव क्लिक हमारो कूड़ जाओ डूंगो वालू और माँ भी चूंद निकलनी फर्स्ट क्लास। तो देखा तो जगह जगह हम चुनाव बोलो वो माँ चूंद करनी चाह और माल तो कंटर लगे फर्स्ट क्लास। बाकी ठीक समय देखा आप लोग होना की तरह बहुत ही तेज बर्फ लग गया या और ना एक्टर बूढ़ी ठीक समय देखा आप लोग बोड़े कल फाट पर कहाँ लग गया। हाँ
चल चल एक दो तीन तो दगड़ी ये है डब्बा और इसमें बांध रखी हमने तार क्योंकि रस्सी तो टूट जाती है और चाचा देखते हमको कहाँ तक लेना है। तो दोस्तों देखा आप लोग नम्मू को ना अबू को ना गाड़ी बनी चा चोर चे तू और एक गाड़ी बनी अबू को अब मिली तो खींच ली जाना जितना आग कर लिए सोच देना अभी मैं चाहूँ दिसल गाँव और अभी मैं चाहूँ जामुन नगर यखो नाम चाह जामुन नगर यानी कि चुंजा गाँव तो चुंजा गाँव तो कसी समय नहीं है ना थोड़ा तीर दिखल में आपसे तो ये इको नाम चाह जामुन नगर और तोलम चुंजा गाँव और इना बिसल गाँव तो आप लोग देख सकते हैं बिसल गाँव को थोड़ा सा नज़ारा दिखो लूँ बिसल गाँव को नज़ारा दिख लाओ आप लोग तो अभी बिसल गाँव में देखा आप लोग बर्क होना बात करता खूबसूरत नज़ारा चाह और देखा आप लोग हैरा फेरा पूरा आजकल जन के आप लोग गेहूँ की सारी और आजकल लिया गण टाइम और ठीक ऐस दिखो तो रलथम गाँव आप लोग तो रलथम गाँव भी नजर आल सीधा ये रलथम गाँव पूरी एक बटे ना शुरू तो रलथम गाँव फर्स्ट गा रही है कम से और एक बटे पूरे रलथम गाँव लो जान दो तो मत ही हिस्सा रलथम गाँव चो और रलथम गाँव का भी नज़ारा कुछ बाकी आसमान वहाँ पूरा बादल लगे छिन्न आप लोग दिखने वाला बाकी आप लोग को तो ना एक चीज़ दिखो लो ठीक समय देखा आप लोग बर्फ पुणी पता नहीं वो नाम क्या था थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं तो दौड़े आप लोग वक्त देख सकना ये देखा आप लोग एक खतरनाक ही बर्फ पुड़ी जा लगातार जो बर्फ हुआ ना दुई दिन है तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ठंड भी बढ़ गया और उन्हें बर्फ भी हो गया तो बाकी ये डालम देखा आप लोग ठीक समय नहीं गूणी बैठा छे एकदम ठंडम तो ये दिखा ना आप लोग को कि ये छे गूणी और ये ठंडा सस्के की ना मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। दोस्तों आप मेरा बहुत पहला ब्लॉग में देखी हो लो कि मिलिए जो रोड चाहिए गड्ढा के बारे में बात क्या चाहिए तो अभी देखा आप लोग गड्ढा बहुत ही बड़ा हो गया है और फिलहाल यहाँ मत कराती वृत्त क्या गाड़ी भी जा सकी थी लेकिन गड्ढा बहुत बड़ा था और अभी कुछ दिन पहले गड्ढा बुझेगा चाह फिर से गड्ढा बनी हो गया तो आजकल रोड की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था बाकी अब ये ना साइड पुस्त भी छिड़ेंगे छो और पुस्त छिड़ने के बाद भी गड्ढा लगातार बढ़ू चा तो बहुत बुरी हालत हुई थी हमारे ना रोड की। तो दगड़ियों अभी मैं थोड़ा सा बिसल गाँव में छो नहीं घूमती घूमती जन के अभी को तो मिल बताई जाए कि बर्फ लगी छे तो जनी बर्फ बन जाओ तो हम इन रोड में घूमने गए हैं तो मिला आप लोग बिसल गाँव दिखे तो जो मेरे बिसलड़ा का सब्सक्राइबर होला बिसलड़ गांव का सब्सक्राइबर होला वो अपने गांव की थोड़ा सी याद ताज़ा कर सकते हैं वीडियो का माध्यम से और ब्याह रायबड़े जन मिला आप लोगों को पता चला कि लाइट नहीं छा तो फ़ोन चार्ज नहीं छा और बर्फ भी छा तो मिली आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखे नहीं सकी वाला ब्लॉग में। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट का माध्यम से आप लोग बताएं कि आप लोग तो मेरे ब्लॉग का लग दें क्योंकि अगर आप लोगों को तो मेरे ब्लॉग अच्छा लग दें तो प्लीज़ कमेंट में बता दिए और ज़्यादा शेयर करना चाहिए कि उन तो कि जो लोग हों तो पता नहीं होल मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में उन तक कि यूट्यूब चैनलों को नोटिफिकेशन भी जान डालो और यूट्यूब चैनल के बारे में भी पता चल जा लूँ।